हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इन शॉर्ट। आई एम श्वेता गुप्ता, प्रेजेंटेड हियर। सो मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद वीडियोस अपलोड होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस को अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी। और आप प्लीज़ देखते रहिए जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं, और जब भी अपलोड होते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपके चैनल पे खुद ही आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू, राइट? डेंगू क्या होता है, कौन से वायरस से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज, ठीक है? तो अगर कंटेंट की बात करें तो क्या क्या हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डेंगू होता क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन, डेंगू होता क्या है, व्हाट इज डेंगू, राइट? सेकेंड थिंग इज सिम्टम्स रिलेटेड टू डेंगू, कौन कौन से अगर आपको डेंगू हो गए तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करेंगे कि आपको डेंगू हुए, ठीक है? तो मोस्टली जैसे कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो सारे डिजीज में होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें सिम्टम्स को थोड़ा हाईली लेवल पे पढ़ना रहता है और उसको बारीकी से समझना होता है, ताकि अगर ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो हम अपना 20% लेके चले कि ठीक है, इसको ये चीज हो सकता है, ठीक। बाकी तो हम क्लियर करने के लिए सिर्फ सिम्टम्स से उसको जस्टिफाई नहीं कर देंगे कि उसको डेंगू हो गया, ठीक। क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीटी, एक्सरे, एमआरआई, जितने भी डायग्नोस्टिक्स हैं वो सारी चीज हम करवाते हैं, राइट। तो सिम्टम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, डेंगू में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने टाइम में डेंगू अपने सिम्टम्स को शो करने लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डायग्नोसिस की, कौन से ऐसे डायग्नोसिस हैं जिन्हें हमें पता चलता है कि हमें डेंगू है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वैक्सीन की, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो हम लोग ड्यूरिंग द डेंगू देते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की, राइट। तो इतने सारे कॉन्टेंट्स हैं जो हम लोगों को डेंगू में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ओके, लेट स्टार्ट। तो डेंगू क्या होता है, डेंगू का अगर इंट्रो की बात करें तो किस तरीके से हम डेंगू को डिस्क्राइब करेंगे कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू इज अ डिजीज इन विच पीपल या पेशेंट हैविंग हाई फीवर, राइट। डेंगू में क्या होता है, सबसे पहला तो सिम्टम यही होता है कि पेशेंट या जो भी जिसको भी डेंगू हुआ है उसको क्या होने लगते हैं, हाई फीवर होने लगते हैं। हाई फीवर में भी कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड लग के फीवर आएगा, कभी बहुत ज्यादा मतलब गर्मी लगने लगेगी, ऐसे मतलब हाई हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो कितना होना चाहिए, फारेनहाइट की बात करें तो 97 से 99 भी हम नॉर्मल मानते हैं, मतलब एवरेज मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब डेंगू होता है तो यही फीवर 106 डिग्री फारेनहाइट चला जाता है, राइट। मतलब 102 भी हो जाए तो हम बोलते हैं ना कि मुझे हाई बुखार है, फिर भी अगर सोचिए डेंगू में क्या होता है, 106 डिग्री फारेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, मतलब हाई फीवर हो जाता है, ठीक है। तो डेंगू क्या है, ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को हाई फीवर होने लगते हैं, ठीक। और जो मॉस्किटो इसे कॉज करता है, मॉस्किटो के बाइट से द्वारा ये हमारे डेंगू होता है, राइट। तो जो मॉस्किटो का नाम हमें है वो याद रहना चाहिए, जो मॉस्किटो हमें डेंगू कॉज करता है उसका नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है, एजिप्टी। तो जो मॉस्किटो कॉज करता है डेंगू उसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी, राइट। और यही कैसे कॉज होता है, जब ये मॉस्किटो हमें बाइट करता है, जब हमें काट लेगा, बाइट करता है, इसके डंग से, इसके सलाइवा के थ्रू क्या होता है, डेंगू के जो वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें डेंगू के सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या याद रहना चाहिए, कौन से मॉस्किटो के थ्रू हमें डेंगू होता है, तो वो है एडिस एजिप्टी, राइट। ऐसे ही कौन सा है, मलेरिया जिस मॉस्किटो से होता है उसका नाम आपको पता ही होगा, एनोफिलस, फीमेल एनोफिलिस, होता है ना, वैसे ही डेंगू का जो मॉस्किटो होता है उसका नाम है एडिस एजिप्टी। और डेंगू क्या है, ऐसा डिजीज है जिसमें हमें हाई फीवर हो जाता है, ठीक। अब वायरस की अगर बात करें तो देखिए, वायरस का जो डेंगू का वायरस है उसका कोई नाम कुछ नहीं है, नाम मतलब नहीं दिया गया है वायरसेस को, बस हम जिस नाम से उसको जानते हैं या जिस तरीके से हमें पता है उसका नाम है डेंगू वायरस 1, 2
थ्री एंड फोर, मतलब चार तरीके के रिसर्च के पर्पस में ये देखा गया है कि चार तरीके के डेंगू वायरसेस प्रेजेंट है, कौन कौन से, वन टू एंड थ्री फोर, राइट। तो हम डेंगू वायरस को क्या कहते हैं, डेंगू वायरस वन, डेंगू वायरस टू, ऐसे करके बुलाते हैं। मान लीजिए आपको डेंगू वायरस थ्री ने काटा है तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, हम बोलेंगे कि ये पर्सन किस डेंगू वायरस से अफेक्टेड है, तो डेंगू वायरस थर्ड से अफेक्ट है, राइट। तो ऐसा ही होता है, डेंगू वायरस वन, डेंगू वायरस टू, डेंगू वायरस थ्री एंड डेंगू वायरस फोर, ठीक है। तो जिस मॉस्किटो से ये इफेक्ट होता है उसका नाम है एडिस एजिप्टी, और इनके वायरसेस का नाम है डेंगू वायरस वन टू थ्री एंड फोर, राइट। अब एक और चीज है, ऐसा आपको पता भी होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर किस चीज के लिए वर्क कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम फाइटर कहला रहा है हमारे बॉडी का। जो भी जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी चीजें हो, उनसे हमें जो बचा रहा है या जो फाइट कर रहा है वो कौन कौन सा सिस्टम कर रहा है, तो वो हमारा होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर भी कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग चीजों से लड़ाई करते हैं और हमारे बॉडी को हमेशा बचाए रखते हैं, राइट। तो ये है कि मान लीजिए आप डेंगू वायरस वन से अफेक्ट हो गए, ठीक है, डेंगू वायरस वन से आप अफेक्ट हो गए। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, डेंगू वायरस वन के प्रति अपने अंदर इम्यूनिटी को क्या कर लेगा, वो डेवलप कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर इम्यूनिटी को वो डेंगू वायरस के प्रति डेवलप कर लेगा। तो जब अगर दूसरी बार आपको डेंगू होता है और डेंगू वायरस वन अगर आपको होता है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब मॉस्किटो का जो डेंगू करने वाला मॉस्किटो है उसके चार वायरसेस हैं, अगर पहला वायरस से आपको डेंगू हो चुका है, आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, तो दूसरी बार उस डेंगू वायरस से आपको डेंगू नहीं होगा, राइट। उस डेंगू वायरस से आपको डेंगू नहीं होगा, लेकिन थर्ड सेकेंड फोर्थ ये सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले वायरस से अब नहीं होगा। मतलब एक बार जिस भी वायरस ने हमें डेंगू कर दिया और हम ठीक हो गए तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति इम्यूनिटी को डेवलप कर चुका है और वो वायरस अब हमें दोबारा से कॉज उस डेंगू को नहीं कर सकता है। आप थर्ड से हो सकते हैं, सेकंड से हो सकते हैं, फोर्थ से हो सकते हैं, लेकिन डेंगू वायरस वन आपको पूरे लाइफ टाइम तक, अगर आप डेंगू से ठीक हो गए तो आपको पूरे लाइफ टाइम तक डेंगू वायरस वन अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये थी इंट्रो की बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिम्टम्स की, कौन कौन से सिम्टम्स जनरेट होते हैं डेंगू से, ठीक है। तो डेंगू का जो सिम्टम्स होता है वो होता है इसको रहने दीजिए, वो होता है माइल्ड टू सीवियर, ठीक है। माइल्ड क्या होता है, मतलब माइल्ड जो कि बेसिक लेवल पे होता है जिसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, और सीवियर क्या होता है, बहुत हार्मफुल लेवल पे वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो माइल्ड टू सीवियर। अब ऐसा भी हुआ है कि ये जो सीवियर कंडीशंस होते हैं वो रेयर केस में होते हैं, रेयर केस इन द सेंस आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको डेंगू वायरस हो गया है या आप डेंगू वायरस से इन्फेक्ट है, आपको डेंगू हुआ, ये सारी चीजें पता नहीं चल रही है, आप दवा अच्छा से नहीं कर रहे हैं या प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो उस समय हम सीवियर प्रॉब्लम पे आ सकते हैं, लेकिन माइल्ड की अगर बात करें तो आप स्टार्टिंग में ही अगर चीजों को समझ ले और प्रिकॉशन ले ले तो आप ठीक हो सकते हैं, राइट। तो माइल्ड टू सीवियर होते हैं सिम्टम्स। अगर माइल्ड की बात करें तो जैसे कि हाई फीवर, हाई फीवर तो आपको होगा, वो माइल्ड हो और चाहे सीवियर हो, हाई फीवर आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। हेडक, हेडक, लिम्फ ग्लैंड स्वेल कर जाएंगे, स्वेलन। नेक्स्ट बात करें स्किन रैशेस, स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, ये हमारे आते हैं माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमारे किस में आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। कॉम्प्लिकेशन कब अराइज होता है या सीवियर कंडीशन की बात करें वो कब आएगा, जब डेंगू अपना रूप विकसित कर लेगा, मतलब वो सीवियर स्टेज पे पहुंच जाएगा, और जब वो सीवियर स्टेज पे डेंगू पहुंच जाता है तो वो कॉज करता है डी एच एफ। डी एच एफ क्या है, डेंगू हीमोरेजिक फीवर, राइट।
मतलब जब वो नॉर्मल डेंगू अब सीवियर कंडीशन पे आ गया है, आपने उसे अच्छे से प्रिकॉशन नहीं दिया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो अब वो खतरनाक रूप करता है और उसका नाम होता है DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है, हमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। इंटरनल ब्लीडिंग इन द सेंस आपके मतलब इंटरनल बॉडी में हो सकता है, गम वगैरह में ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें DHF में होने लगता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर में। अगर DHF के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, इसमें भी देखिए हाई फीवर होगा, हाई फीवर तो होगा ही। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे सिस्टम को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, इसीलिए देखते हैं डेंगू की वजह से कितनी मौत हो जाती है, अच्छे से उनको क्योर नहीं मिल पाता है तो उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो सीवियर स्टेज पे पहुंच गए रहते हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनके जो इंटरनल सिस्टम्स है वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को डैमेज करने लगेगा, डैमेज ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम को डैमेज करेगा, ब्लीडिंग होगा हमारे नोज से, गम से, ये सारी चीजें हमारी किसमें होने लगती हैं, DHF में, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये भी एक तरीके का डेंगू का ही पार्ट है, लेकिन ये सीवियर स्टेज पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो समय जब मॉस्किटो ने हमें काटा, मॉस्किटो ने हमें काटा और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो काटा और सडनली आपको हाई फीवर हो गया, आप वोमिटिंग करने लगे, ये सारी चीजें होने लगी, नहीं, उनको भी क्या एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो वो हमारे बॉडी में गया, तो फिर वहां पे कौन बैठा हुआ है, इम्यून सिस्टम हमारा बैठा हुआ है कि आ जाओ हम लड़ेंगे, अब वो उनसे लड़ रहा है, ठीक है, उनसे लड़ेगा, वो हार गया, अगर वायरस हार गया तो ठीक है नहीं हुआ, अगर जीत गया तो फिर वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो फैलेगा, तो वो टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, ठीक है। हर एक डिजीज इसका अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता ही है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो वो टाइम जो मॉस्किटो हमें काट रहा है और सिम्टम्स जब शो करने लगेंगे उस बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये कॉमनली डेंगू की अगर बात करें तो कॉमनली ये 3 to 10 days का होता है, 3 to 10 days का इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कौन कौन से हैं, इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट, क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें चेक क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ वायरल एंटीबॉडीज या इन्फेक्शंस को हम चेक करते हैं। इसमें एक टेस्ट होता है PCR टेस्ट, जो कि हम क्या नाम है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट, जो कि हम इसमें करते हैं और चेक करते हैं कि डेंगू के वायरसेस हैं या नहीं, या उनके एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पे डेंगू है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन की, डेंगू के जो वैक्सीन होते हैं उसकी, तो डेंगू का वैक्सीन जो होता है उसका नाम है डेंगवैक्सिया। ये एक ही ऐसा वैक्सीन है जो डेंगू के लिए अवेलेबल है, डेंगवैक्सिया, और जो कि WHO ने बोला है ये वैक्सीन तभी लगेगा जब कोई पेशेंट या कोई भी इंसान डेंगू वेरीफाइड, मतलब डेंगू का वैक्सीन लगाने के लिए हमें डेंगू वेरीफाइड होना जरूरी है, कि मतलब आप डेंगू से इन्फेक्टेड हैं। जैसे कि कोई भी वैक्सीन, कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं ना जो कि पहले से भी हम लगा देते हैं ताकि हम उस चीज से ना इन्फेक्ट हो, लेकिन डेंगवैक्सिया, डेंगू का जो वैक्सीन है उसमें WHO ने बोला कि ये तभी लगाया जाएगा जब पेशेंट डेंगू वेरीफाइड होगा, उसे डेंगू हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, डेंगवैक्सिया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये देखिए किस तरीके से डेंगू वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्ट करता है।
तो सबसे पहले क्या है, ये मॉस्किटो का नाम है, मॉस्किटो एडिस एजिप्टी, राइट। उसने क्या किया, हमें काटा, बाइट किया। अब उसके सलाइवा में कौन प्रेजेंट है, डेंगू का वायरस प्रेजेंट है। वो हमारे कहाँ चला गया, ह्यूमन सेल्स के अंदर। उसने प्रिक किया, उसका सलाइवा हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर चला गया। अब वो अंदर गया, वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को। कोई भी हार्मफुल चीजें अगर जा रही है और उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है या उससे फाइट कौन कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम ही कर रहा है। तो अफेक्ट कहाँ किया, इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम में कौन प्रेजेंट है, लैंगरेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। लैंगरेंस सेल्स आपने पढ़ा होगा, स्किन के जो 5 लेयर्स होते हैं उसमें एक लेयर में लैंगरेंस सेल्स पाया जाता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, तो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अब वो काटा, लैंगरेंस सेल से वो लड़ रहा है, अब वहां से लड़ा लेकिन वहां पे वो जीत गया, और वो चला गया कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे। अब वो वहां पे क्या करेगा, थोड़े देर रहेगा और अपना इंक्यूबेशन पीरियड जो भी उसका है, उतने टाइम तक वो वहां रह के क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा, सिम्टम जो भी रिएक्ट होते हैं, फिर वहां पे अपने आप को वो कर देगा शुरू वायरस को रेप्लीकेट करना। अब एक वायरस से बन जाएंगे कौन से, कितने, ढेर सारे डेंगू के वायरसेस। अब वो कहाँ फैल जाएंगे, फिर धीरे से स्प्रेड इन ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड का स्ट्रीम है, जो ब्लड की धारा है, उसमें फैलना शुरू कर देंगे। उसके बाद से क्या होने लगता है, तो DHF की कंडीशन आती है, DHF डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग को शुरू कर देता है, ठीक। अब क्या हुआ, मान लो अफेक्ट किया हमारे ह्यूमन सेल को, काटा, लैंगरहैंस को अफेक्ट किया। अब इतने ही टाइम में तुमको आ रहा है फीवर, फीवर आने लगा है, वॉमिटिंग आने लग रहा है, ठीक है। अगर तुम नॉर्मली तुम दवा लिए और वो ठीक हो गया, तुमने फिर छोड़ दिया, तो अब क्या, यहाँ पे लेकिन वो अपना इंक्यूबेशन स्टार्ट किया हुआ है, वो रेप्लिकेशन, वो जो भी उसको ग्रोथ चाहिए, वो सारी चीजें वो यहाँ कर रहा है। अगर दवा से खत्म हो गया यहीं पे तो ठीक, डेंगू समाप्त, लेकिन नहीं हुआ तो ये क्या कर रहा है, अभी भी इंक्यूबेट करके अपने आप को लगेगा रेप्लिकेट करने, बढ़ाने। उसके बाद से हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगर एक बार फैल गया तो फिर कॉज कर देगा इंटरनल ब्लीडिंग। उसके बाद से सेल परमिएबल होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बाहर की साइड स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, अपने आप को फैलाता है। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर आपको सिंपल डेंगू है, मतलब माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, सिंपल डेंगू है, DHF नहीं है, हेमोरेजिक फीवर नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप उसको घर पे हाइड्रोथेरेपी भी दे सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्लूड या वाटर को दीजिए, ताकि वो वाटर पिए, ज्यादा अपने बॉडी में अब्सॉर्ब करे। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, जो भी हम जैसे बुखार होता है तो पट्टी ठंडे पानी में कर करके रखते हैं सिर के ऊपर, वैसे तो हाइड्रोथेरेपी दीजिए, फ्लूड ज्यादा से ज्यादा पिलाइए, ठीक है। एस्पिरिन को एकदम अवॉइड करिए। एस्पिरिन मेडिकली बोला गया है कि डेंगू फीवर में हम एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए, हालांकि अब तो एस्पिरिन ऐसे भी धीरे धीरे बंद ही हो रहा है, राइट। क्योंकि ये क्या है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है, तो ये और भी इंटरनल ब्लीडिंग में हेल्प कर देंगे और हमारा ब्लीडिंग और तेजी से बढ़ने लगेगा, राइट। तो अगर बुखार उखार है तो आप पैरासीटामोल, PCM वगैरह दीजिए, राइट। टैबलेट्स या सिरप वगैरह दे सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी दीजिए, फ्लूड और वाटर दीजिए। उसके बाद से मेडिसिन डॉक्टर को भी दिखाइए, वो नॉर्मल जो मेडिसिन देता है वो चलाइए, सिंपल डेंगू है तो। लेकिन आप बहुत टाइम हो गया वो चीज नहीं ठीक हो रही है, देख रहे हैं आपकी फीवर बढ़ता ही जा रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, कमजोरी, वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को तुरंत बिना देरी किए हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। उसके बाद से वहां का मेडिकल टीम जो भी चीजें स्टार्ट करे, राइट। नेक्स्ट बात करें प्रिवेंशन की, तो कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन है जो हमें शुरू से ही लेना ही चाहिए, ऐसे नॉर्मली भी आपको पता होने चाहिए ये सारी चीजें, और हमें प्रिवेंशन हमेशा लेनी चाहिए। प्रिवेंशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्या आता है कि हमें पहले तो मॉस्किटो के बाइट से ही बचना चाहिए, मतलब जहां मच्छर लगे वहां मत बैठे रहो, उसके बाइट से बचो, वो काटे ना आपको तो उसके बाइट से बचो। सेकेंड थिंग, कहीं भी मच्छर अब कहाँ लगते हैं, मच्छर वहीं लगते हैं जहां पे गंदा पानी हो, ठीक, जहां पे गंदा पानी हो या वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा अजीब हो गया हो, तो वहीं पे फिर मच्छर लगने लगते हैं, ठीक। तो क्या करिए, कहीं भी वाटर को स्टोर मत होने दीजिए, महकने या गंदी चीजें मत किसी जगह पे स्टोर करिए, राइट। और जो भी हो ढक्कन या
जो भी चीजें आप स्टोर कर रहे हो उसको पैक करके रखिए, राइट। पैक करके रखने से क्या होगा, कम से कम वो पैक रहेगा तो उसमें मच्छर लगेंगे नहीं, पहली बात तो ये। अब साफ जगह पे तो मच्छर आएंगे नहीं, इसलिए कहा भी जाता है कि अगर जो डस्टबिन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी पैक्ड होना चाहिए। ये नहीं कि अब डस्टबिन तो यूज कर रहे हैं आप लेकिन वो खुला हुआ है पूरा, उसमें पता नहीं क्या क्या डाले हैं आप, उसमें मच्छर पूरा लग रहा है, तो क्या वो मच्छर वहीं लगेंगे, वहां से लग के वो और भी तो फैलेंगे ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, पैक्ड चीजों को यूज करना चाहिए। वियर क्लोथ फुल, मतलब जितने भी आप फुल क्लोज पहन सकते हैं वो पहनिए। अब ये नहीं कि गर्मी है तो फुल पहन के घूम रहे, उसमें आप बस अवॉइड करिए चीजों को ताकि मॉस्किटो आपके घर में ना ही लगे और ना ही आपको काटे, राइट। इसीलिए अपने इर्द गिर्द क्या रखें, साफ और सफाई रखें। तो ये है प्रिवेंशन की बात थी ये। तो हर चीज का प्रिवेंशन अपने अपने हिसाब से होता है लेकिन लोग करते नहीं है, और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं किसी ना किसी डिजीज से। तो आप पहले से ही प्रिवेंशन लीजिए ताकि आपको मेडिकली ना होना पड़े, इकोनॉमिकली भी आप स्टेबल रहे। मेडिसिन ही ऐसी चीज है जो आपको इकोनॉमिकली भी हिला सकती है, राइट। तो प्रिवेंशन हमेशा लीजिए चीजों से और अपने आप को बचा के रखिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डेंगू, तो आपको समझ में आएगा डेंगू क्या होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।